घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। re re sa dha ni ni sa ga ma re re sa sa re ga ga ma pa ma pa ma ga ma da da pa ga ma re re dha ni ni dha sa bhairav raag bhairav नाम आपने सुना है। जो मॉर्निंग वोकल रियाज करते हो वो भैरव में होता है, ये पता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि भैरव का और भैरव के प्रकार, उनका आपस में क्या संबंध है, और भैरव से रिलेटेड जो राग हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी कुछ दिनों पहले, थाट राग समय अनुसार, उनका सवेरे से क्या संबंध है, और क्यों उनको सवेरे में गाया बजाया जाता है, और क्या भैरव के और भी कोई राग हैं, और उनमें कोई अगर फिल्मी गाना, गीत, गज़ल वगैरह है तो उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते ही हैं कि भैरव में रे और धय, रे ध कोमल लगते हैं और ऋषभ धैवत आंदोलित हैं उसमें, है ना, गंभीर प्रकृति का राग है ये। आंदोलित हैं यानी उन पर एक, जब ऋषभ और धैवत लगता है तो स्वर जो है मीड का प्रयोग वहाँ हल्का होता है, है ना, और कोमल हैं तो जाहिर बात है कि मध्यम से ऋषभ की मीड उसमें एक रहती है, और गम रेसा ये इसकी एक संगति है, जैसे कि मैंने अभी बताया। रात्रि का अंतिम प्रहर यानी कि 4 से 7 सवेरे की, ये उसका टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त। जब भैरव के स्वर लगते हैं तो सवेरे का टाइम होता है, जब सवेरा होने जा रहा होता है, उससे भी पहले का, है ना। उसी से रिलेटेड और भी कई रागे हैं, उसके कई प्रकार हैं, जैसे कि भैरव है, भैरव का वैरागी भैरव है, वैराग्य है ना, साधु संत, वैराग्य से उसका रिलेशन है, मेडिटेशन का रिलेशन है, और मेडिटेशन का टाइम सवेरे का है, है ना। अहीर भैरव, अहीर यानी जो ग्वाले जो होते हैं, जो दूध बेचने जाते हैं, तो वो सवेरे का टाइम होता है, तो अहीर भैरव वो भी सवेरे का राग है। वैरागी, अहीर, और भी कई हैं भैरव के प्रकार, जैसे कि बंगाल भैरव, जैसे कि शिवमत भैरव, है ना, ये भैरव के प्रकार हैं। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, थोड़ी थोड़ी गंभीरता इन सब में है, और इन सब के चलन, इन सब के स्वरूप में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि जहाँ ऋषभ धैवत कोमल लग जाए वही भैरव होगा, जैसे कि अहीर भैरव देखेंगे तो उसमें धैवत शुद्ध लगता है। देखा जाए तो अहीर भैरव हम मानते हैं कि साउथ की एक राग है अहीरी, और भैरव हमारा नॉर्थ इंडिया का राग है, उन दोनों को मिला के बनाया गया है, इसीलिए उसको हम यहाँ किसी थाट में नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें रे और नी कोमल लगता है। तो कोई बोलता है खमाज थाट का है, कोई बोलता है भैरव थाट का है, लेकिन क्योंकि भैरव अंग है इसीलिए हम भैरव थाट ही उसको मानेंगे। भैरव पर और देखें तो उसका स्वरूप मैं आपको अगर कुछ बताऊँ तो बड़ा ही गंभीर प्रकृति का राग है, चंचल नहीं है। भैरव से ही मिलता जुलता एक राग है कालिंगड़ा, है ना, उसमें और भैरव में इतना ही फर्क है कि वो चंचल प्रकृति है और ये इसमें गंभीरता है, यानी इसके जो आंदोलन है ऋषभ और धैवत के वो सब हटा दो तो आपका कालिंगड़ा बन जाता है ना। सवेरे का, प्रभात का जो है समय इसका है, तो उसी का कुछ स्वरूप है इसका। और आप देखते हैं कि
खरज में और मध्य में ज्यादा रहता है, ये तार में इसका इतना चलन नहीं है, है ना। और हमारे जो मुख्य छह रागे हैं, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है कि राग रागनियां होती हैं, अलग अलग शास्त्रकारों के मत अनुसार वो छह रागे अलग अलग हैं और उनकी छह की 36 रागनियां अलग अलग हैं, तो उनमें भैरव एक माना जाता है राग, है ना, मेल डोमिनेंट राग है। इसीलिए कहते हैं कि ये कुछ राग हैं जिनको फीमेल सिंगर्स कम गाती हैं, जैसे कि दरबारी है, जैसे कि भैरव है, क्योंकि मेल डोमिनेंट इसीलिए भी कहते हैं गंभीर प्रकृति की है और खरज में और मध्य में ज़्यादा रहती है और मीड का ज़्यादा प्रयोग है, इसीलिए हम मानते हैं ये मेल डोमिनेंट रागे हैं, इनके लिए वो दम चाहिए, दमखम चाहिए उतना। स्वरूप अगर हम उसका देखें तो स्वर संगति है उसकी, गमा रेसा और गमा रे मारे, ये मीड रहती है, गमा रेसा ऐसे नहीं जाता है, गमा पा धा पा मा पा मा गमा पा गमा रेसा ये नहीं है, गमा रे सा सदा पा, है ना, षड्स से धैवत की भी मीड रहती है, मा बा दा दा ने सा दा दा पा धारे सा दा दा पा मा बा दा दा मा पा मा गा गा मा रे रे सा धा ने सा, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका स्वरूप मैंने आपको बताया, इसका समय बताया, तो उसी अनुसार इसमें जो ख्याल हैं वो भी बनते हैं। इसमें ध्रुपद गायकी होती है, इसमें विलंबित ख्याल गायकी होती है, छोटा ख्याल भी गाया ही जाता है, पर वो जो विलंबित गायकी है वो ज़्यादा अच्छे से इसमें खेलती है, क्योंकि वो चलन है इसका। ध्रुपद गायकी में भी वो जो है मींड गमक इन सब का प्रयोग ज़्यादा होता है, और वैसी ही ये राग है तो अपने आप उसमें ज़्यादा खेलती है। अब देखें तो इसके जो ख्यालों के शब्द होते हैं वो भी अपने आप इन्हीं स्वरूपों में जाते हैं, कि भोर भई, है ना, कि जागो मोहन प्यारे, जो इसका बहुत फेमस ख्याल है, है ना, तो वो उनके जो शब्द हैं वो भी यही कहते हैं, जागो मोहन प्यारे जागो सांवरी सूरत मोरे मान भावे, है ना, मोहन को श्री कृष्ण को जगा रहे हैं, सुंदर लाल हमारे जागो मोहन प्यारे हाथ दया उठे भानु दया भयो प्रात समय उठे भानु दया भयो, कि प्रात समय उठो भानु यानी सूरज उदय हो चुका है, प्रात समय उठे भानु उदय भयो ग्वाल बाल सब भीतर ठड़े दर्शन के सब भूखे प्यासे, कि उठ जाओ ग्वाल बाल दरवाजे पे आ गए हैं तुम्हारे दर्शन को भूखे प्यासे हैं, है ना, तुम्हें देखना चाह रहे हैं श्री कृष्ण को, तो उनको उठाया जा रहा है कि जागो मोहन प्यारे, है ना। तो ये एक भैरव का ख्याल है। फिर जो मेरे पिता गुरु की रचना है, पूरब में छाई अब लाली, है ना, ये जो है पूरब में छाई अब लाली भोर भई, है ना, ये सारे शब्द हैं उसके, भोर भई भूली हर डाली, है ना, जाग जाग
पंछी सब जागे, फूल ना पे भंवरा अब लागे, जाग जाग जागा हर माली, है ना। तो वो जो सवेरे का समय है, वो सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन उनके शब्दों में होता है, इनके ख्यालों में होता है। तो ये आपको समझ आ रहा है कि साहित्य और संगीत कैसे आपस में मिला हुआ है। फिर हम आते हैं इसी के संप्रकृति और प्रकारों पर, जो कि पहला मैं लेता हूँ वैरागी भैरव, जिसमें सिर्फ गंधार और धैवत को हटा दिया है और निषाद कोमल कर दिया है, तो वैरागी भैरव बनता है। सरे मा पा ने सा रे ने सा ने बाम रे रे मा पा ने बाम रे ने सा, है ना। देखा जाए तो भैरव यानी उदय हुआ है, फिर मेडिटेशन और उसके बाद अहीर भैरव आनी चाहिए। ये जो वैसे तीनों का समय सेम है, देखा जाए तो उसी समय पर गाई बजाई जाती हैं, रात्रि के अंतिम प्रहर में और दिन के प्रथम प्रहर में इसी समय पर, है ना, गाई जाती हैं। लेकिन क्योंकि इनका अगर ऑर्डर देखो तो फिर भी इस हिसाब से जमता है, ना, कि पहले भैरव, फिर वैरागी भैरव, फिर अहीर भैरव आती है। सारे मा पा मा बने बने सारे नी रे सा नी पा मा रे रे मा बने बा मा रे ने बने सारे नी रे सा है ना। यह है हमारी वैरागी भैरव। इसी में थोड़ा चेंज कर दिया, जो गंधार दैवत हटाए थे उनको वापस लगा देना है, लेकिन दैवत शुद्ध करके, तो बन जाती है हमारी अहीर भैरव। सारे गा मारे सा गमा पदने दापा, दैवत शुद्ध लगा दिया। गमा पदने सारे नी रे सा नी धा पा नी धा पा मा गा मा रे नी सारे मा गा मा रे नी धा सा, है ना। ये अहीर भैरव बन गई। फिर आप जाओ तो दैवत कोमल कर दो, है ना, जो निषाद कोमल था वैरागी में, सारे मा पा ने सा, इसमें धैवत कोमल कर दो और निषाद हटा दो वहां से, तो गुणकली बन जाती है। सारे मा बा धा पा मा बा धा पा मा रे सारे सा मा बा धा पा मा रे सारे सा। आप नहीं भी चाहो तो भी आपको इन सब में एक ही स्वरूप नजर आएगा, है ना। अगर इनको एक के बाद एक के बाद एक सुनते जाओ तो आपको लगेगा हाँ 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 ये सेम सेम जा रहा है, मिलता जुलता है। आपको, आपने नहीं सुनी कभी गुणकली, आपको नहीं पता गुणकली क्या होती है, लेकिन जैसे ही मैंने लगाया तो लगा कि नहीं कि हाँ ये भैरव अंग है। सारे मा पा दा दा पा मा पा दा पा मा सारे सा धा सारे मा पा दा सा धारे सा दा पा मा पा दा पा मा सारे सा, है ना। ये हो गया। अब इसमें विभास एक राग आती है, वो भी भैरव की है। सारे ग प द सा धा प ग प द प रे सा, है ना। ये भी वही जो ऋषभ को लगाने का तरीका है, उससे अपने आप पता चल जाता है ये भैरव है, है ना। जो धैवत कभी अगर कोमल है तो लग गया तो ग प द द सा धा रे सा धा प ग प द प ग रे सा, है ना। ये हो गया। तो ये कुछ चलन है। अब इसमें भी अगर ग मा रे सा नि ध नि रे सा ग मा प द नि द प द रे वे चन को चले जात गुजरिया द रे वे चन को चले जात, है ना। ये ख्याल है, ये दधि बेचन को चली जात गुजरिया, तो इसके शब्द क्या है, दही बेचन को जा रही है, दूध बेचने को जा रही है, तो वो सवेरे का समय है। अहीर भैरव जो मैंने बताया, अहीर मतलब ग्वाले, तो कहीं ना कहीं इन सब का सवेरे से क्या तारतम्य है वो आपने अभी अभी देखा, और मेरे ख्याल से मैंने जो प्रकार थे वो अच्छे से समझा दिए। बंगाल भैरव एक अलग है, प्रकार है उसका, और भी कई हैं। शिवमत भैरव जैसे मैंने बताया कि उसमें भैरव और भैरवी का दोनों का मिश्रण है, है ना। भैरव और भैरवी में क्या फ़र्क है, भैरवी में ग और नी एक्स्ट्रा कोमल लग जाते हैं और भैरव में ग नी शुद्ध लगते हैं। कालिंगड़ा में सीधे सीधे जा रहे हैं, सा रे ग मा पा दा पा मा ग मा पा दा नी दा पा मा ग मा पा दा पा मा ग मा पा मा ग मा ग रे सा, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इसके कुछ गीत और गजलों पर।